हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेक है जयमीन। दोस्त, मैं अभी दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आ गया हूँ, जिसमें दोनों फोन अंडर 10,000 या अंडर 15,000 हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पहला जो फोन है वो मोटोरोला की तरफ से देखने को मिलता है, मोटोरोला मोटो G34 5G जो फिलहाल आज ही इंडिया में लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा रेडमी का 13C 5G। ये दोनों फोन अंडर कहते हैं ना कि 11,000 की रेंज में आपको ये फोन देखने को मिल जाते हैं। तो अगर इस दोनों फोन में से कौन सा फोन लेना चाहिए, इसी के बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं। पहली थी दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले, तो मोटो G34 5G में देखने को मिलती है 6.5 इंच की HD+ रिजोल्यूशन के साथ में आपको IPS LCD पैनल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। पंचोल कैमरा डिजाइन के साथ में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको 20:9 का एक्सपर्ट शो और यहाँ पे फ्रंट में ग्लास फिनिश डिजाइन और पीछे की तरफ आपको वीगन लेदर वाला डिजाइन देखने को मिलता था। हालांकि ध्यान की रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे एक ही कलर में वीगन लेदर देखने को मिलेगा, बाकी के जो दो कलर वेरिएंट है उसमें आपको वीगन लेदर देखने को नहीं मिलेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि क्रिएटर्स और जो प्रमोशन स्पॉन्सर वाले जो वीडियो है उसमें सारे लोग बता रहे हैं कि वीगन लेदर है, लेकिन एक ही कलर में वीगन लेदर है। अगर आप वेबसाइट में जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन बात करें रेडमी 30C 5G की, तो यहाँ पे आपको 6.74 इंच की HD+ रिजोल्यूशन के साथ में आपको यहाँ पे नॉच में आपको एक IPS LCD पैनल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। नॉच है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पुराने स्टाइल वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे 19Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, 20:9 का एक्सपर्ट रेशियो और फ्रंट में कॉर्निंग ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। ऑल टुगेदर यहाँ पे भी फोन अच्छा है, लेकिन जो ओल्ड स्टाइल है यानी कि नॉच है, अगर यहाँ पे पंचोल कैमरा डिजाइन देता तो थोड़ा बहुत कंपेरेटिव लगता। और दूसरी बात, यहाँ पे डिस्प्ले की साइज थोड़ी सी बड़ी है एज कम्पेयर टू मोटो G34, तो वो थोड़ी बात अच्छी है, लेकिन जो रिफ्रेश रेट है वो थोड़ा सा कम है, जो कि यहाँ पे मोटोरोला के फोन में ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन दोनों फोन की जो कमी की बात करो तो यहाँ पे HD+ का रिजोल्यूशन है वो थोड़ी सी कमी है, क्योंकि 2024 है फिर भी यहाँ पे आपको HD+ रिजोल्यूशन ऑफर कर रहा है, तो वो थोड़ी सी नाराजगी वाली बात मुझे लगती है। तो इसी कारण यहाँ पे दोनों फोन बराबर से हम कह सकते हैं। हालांकि अगर रिफ्रेश रेट के मामले में देखने जाए तो ऑब्वियसली मोटो G34 5G बेस्ट रहेगा डिस्प्ले के मामले में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, बताते यहाँ पे मोटोरोला का फोन है उसमें आपको पुराना वाला स्नैपड्रैगन का 695 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो 5G चिपसेट है, 6nm पे काम करता है, ऑक्टाकोर पावर है, 2.2 GHz पे क्लॉक्ड है, एड्रिनो का 690 का आपको GPU देखने को मिल जाता है। हालांकि जो प्राइस रेंज में ऑफर कर रहा है मोटोरोला ये प्रोसेसर, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पहले जो ये फोन आए थे तो 25,000 के रेंज में आपको 695 वाला चिपसेट देखने को मिलता था, लेकिन अब यहां पे ये अंडर 10,000 की सेगमेंट ये फोन देखने को मिल जाता है 695 के साथ में। लेकिन बात करें यहां पे Redmi के 30C 5G की, तो यहां पे आपको MediaTek का Dimensity का 6100+ वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो 6nm पे काम करता है, ये भी 5G चिपसेट है, ऑक्टाकोर पावर है, 2.2 GHz पे क्लॉक्ड है, यहाँ पे मालिक का G57 का आपको GPU देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस यहाँ पे भी अच्छी है, गेमिंग मल्टीटास्किंग सब कुछ यहाँ पे आसानी से कर पाएंगे, दोनों ही फोन अच्छे खासे परफॉर्म कर जाते हैं, दोनों सिमिलर से हम कह सकते हैं, ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत स्टिल अगर आपको नया वाला प्रोसेसर यूज करना है तो रेडमी का 30C 5G ले सकते हो, अगर आपको यहाँ पे पुराने वाले से काम चल जाता है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज करना है तो यहाँ पे मोटोरोला का मोटो G34 5G ले सकते हो। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, बताया गया मोटोरोला का G34 5G में इसमें आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, 4GB 128GB और 8GB 128GB की स्टोरेज के साथ दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। LPDDR4X रैम का सपोर्ट और UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 1TB तक एक्सपेंशन स्लॉट देखने को मिलता है, लेकिन वो हाइब्रिड है तो ये बात ध्यान रखिएगा। वहीं पे बात करें रेडमी 30C 5G की, तो यहाँ पे आपको तीन अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, 4GB रैम 128GB स्टोरेज, 6GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी सेम LPDDR4X रैम का सपोर्ट और UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे 1TB तक एक्सपेंड कर पाएंगे, लेकिन ये डेडिकेटेड स्लॉट है तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिलता है। तो दोनों ही रैम और स्टोरेज वेरिएंट के मामले ज्यादा फर्क नहीं, फर्क यहाँ पे एक 6GB वाला वेरिएंट है वो यहाँ पे मोटोरोला के फोन में देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की, दोनों में आपको सेम कैमरा सेटअप हम कह सकते हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। 15MP का प्राइमरी लेंस है F1.8 aperture के साथ में, दूसरा 2MP का यहाँ पे मैक्रो लेंस मोटोरोला के फोन में देखने को मिलता है, वहीं पे आपको रेडमी के फोन में आपको 2MP का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है, और दोनों ही फोन में आपको सिंगल टोन LED फ्लैश देखने को मिल जाती है और 1080p तक की 13fps तक रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। दोनों ही फोन में EIS तो कहते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता है, वो दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, नॉर्मल सा ही है, कुछ ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। तो कैमरा वाइज दोनों फोन बराबर से हम कह सकते हैं, एक में मैक्रो है एक में डेप्थ है, वही है, कोई ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं है। कैमरा वाइज देखने जाए तो दो ही सिंगल कैमरा ही काम के देखने को मिलता है, तो ऑप्टिमाइजेशन पे डिपेंड
डिसाइड करते हैं कि किस तरह की पोर्ट्रेट खींचता है। हालांकि यहाँ पे मोटोरोला का फोन है वो बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन के साथ यानी कि स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर जाता है एज कम्पेयर टू रेडमी के 35G से। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस फोन का कैमरा लेआउट और कैमरा आपको क्लियरिटी पसंद आती है। अगर आपने पुराने वाले फोन परचेस किए होंगे रेडमी के फोन या मोटोरोला के फोन तो उसके ऊपर डिपेंड आपको कर सकते हो कौन सा फोन लेना चाहिए कैमरा वाइज। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, मोटोरोला के मोटो G34 5G में आपको 16 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाती है। ये प्राइस में कोई भी कंपनी अभी तक देती नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पे F2.4 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा और 1080p तक की 13fps तक रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे Redmi का 35G है वो सेम प्राइस जैसे देखने को मिलता है, जिसमें सिर्फ आपको 5 मेगापिक्सल की नॉच में सेल्फी देखने को मिल जाती है F2.2 एपर्चर के साथ में, HDR कैमरा और 1080p तक की 13fps तक रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है पंचोल वो मोटोरोला के फोन में अंडर 10,000 के सेकंड में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बेस्ट फोन बन जाता है सेल्फी कैमरा वाइज। तो अगर कैमरा वाइज ऑल टुगेदर फोन लेना चाहते हो तो मोटोरोला का फोन ले सकते हो। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी और सॉफ्टवेयर की, बताएंगे यहाँ पे मोटोरोला के G34 5G में आपको 5000mAh की, दोनों में आपको 5000mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे मोटो G34 5G में आपको 20W का टर्बो चार्जर इन द बॉक्स देखने को मिलता है, वहीं पे आपको रेडमी के 35G में आपको 10W का चार्जर इन द बॉक्स देखने को मिलता है। लेकिन फोन है वो 18W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर पाएगा, लेकिन वो सेपरेटली आपको परचेस करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा सैड न्यूज है, इसी के मामले में मोटो G34 5G थोड़ा सा आगे निकल जाता है। और यहाँ पे दोनों ही फोन अच्छे खासे सॉफ्टवेयर के साथ है, लेकिन यहाँ पे बेस्ट बात यह है कि मोटोरोला का फोन है उसमें आपको एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है और स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ यहाँ पे लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे रेडमी 35G की बात करो तो यहाँ पे वही पुराना वाला एंड्रॉइड 13 और यहाँ पे MIUI 14 के साथ कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि सॉफ्टवेयर वाइज ऑब्वियसली मोटोरोला का फोन है वो बेस्ट देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, दोनों आपको नॉर्मल सेंसर व सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही फोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आते हैं। टाइप सी का पोर्ट है, 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है। लेकिन मोटोरोला के फोन में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिलता है, वहीं पे आपको रेडमी के 35G में आपको ट्रिपल स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों फोन ड्यूल बैंड वाईफाई के सपोर्ट के साथ आता है, लेकिन मोटोरोला के फोन में आपको ब्लूटूथ का 5.1 देखने को मिलता है, वहीं पे रेडमी के 35G में आपको ब्लूटूथ का 5.3 देखने को मिल जाता है। मोटोरोला के फोन में आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलता है, वहीं पे रेडमी के 35G में आपको सिंगल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ऑब्वियसली कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में मोटोरोला का फोन थोड़ा सा बेटर है एज कम्पेयर टू रेडमी के 35G से। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेंट और प्राइस की, बताएंगे मोटो G34 5G में आपको 3 अलग अलग कलर वेंट देखने को मिलता है। लेकिन प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट लॉन्च किया गया है यानी कि 4G वाला वेरिएंट, वो आपको 11,000 का देखने को मिलेगा। और दूसरा जो वेरिएंट है 8GB वाला वेरिएंट, उसकी प्राइस यहाँ पे 12,000 की प्राइस में फोन देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो सेलिंग है वो यहाँ पे 17th of January का सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्लिपकार्ट पे। तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से परचेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात करें रेडमी 35G की, तो इसमें भी आपको 3 अलग कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं। लेकिन प्राइस की बात करते हैं, जो बेस वेरिएंट है वो भी सेम 11,000 का देखने को मिलता है। दूसरा जो वेरिएंट है वो आपको 12,500 रुपए की प्राइस में फोन देखने को मिलता है। और तीसरा जो वेरिएंट है वो 14,500 रुपए की प्राइस में फोन देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो सेलिंग है वो भी आपको Amazon पे देखने को मिल जाएगी। तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगा, वहां से आप परचेस कर सकते हो। ऑल ओवर यहां पे दोनों स्मार्टफोन की कंडीशन की बात करूं तो कौन सा फोन लेना चाहिए, तो मेरे सजेशन से मुझे लगता है कि मोटोरोला का फोन थोड़ा सा बेटर है एज कंपेयर टू रेडमी की 30 सीरीज के मुकाबले। क्योंकि यहां पे जो अगर बात करें डिस्प्ले वाइज, तो ऑब्वियसली दोनों फोन डिस्प्ले के वाइज थोड़े बहुत पीछे ही है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे रिफ्रेश रेट है वो थोड़े से ज्यादा है, वो मुझे अच्छा लगा। अगर डिस्प्ले की अपनी साइज आपको बड़ी चाहिए तो यहाँ पे रेडमी का फोन कंसीडर कर सकते हो, लेकिन बात वही है कि यहाँ पे नॉच देखने को मिल जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे मोटोरोला का फोन थोड़ा सा पीछे हो सकता है परफॉर्मेंस वाइज, क्योंकि परफॉर्मेंस आपको बहुत ही पुराना वाला चिपसेट देखने को मिलता है, लेकिन वो 5G है वो भी स्टेबल है। तो मुझे लगता है कि वो बेटर है एज कम्पेयर टू रेडमी के 35G, क्योंकि वो मीडियाटेक के प्रोसेसर के साथ आता है। हालांकि ऑलमोस्ट आपको CPU वाइज दोनों फोन बराबर से, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। तो ऑल टुगेदर मुझे लगता है कि यहाँ पे जो रेडमी के मुकाबले मोटोरोला का फोन बेटर है अगर आपको अंडर 10,000 के सेकंड हैंड लेना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही फोन ऑफर के साथ आपको बहुत ही अच्छे खासे प्राइस में देखने को मिल जाएगा। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको दोनों फोन में से कौन सा फोन पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।